हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे डीमोल्डिंग एजेंट के बारे में। दोस्तों, डीमोल्डिंग एजेंट के बारे में हम आज डीपली डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले हम आपको टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि हम किस किस टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज डीमोल्डिंग एजेंट, मतलब डीमोल्डिंग एजेंट होता क्या है। एंड जो सेकंड टॉपिक है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डीमोल्डिंग एजेंट, मतलब डीमोल्डिंग एजेंट में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। एंड जो थर्ड टॉपिक है, हाउ टू यूटिलाइजेशन, मतलब डीमोल्डिंग एजेंट को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है मोल्ड के ऊपर या किसी जो भी आप कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स जिसमें बनाएंगे तो कैसे उसमें अप्लाई करना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड जो फोर्थ टॉपिक है, वो फोर्थ टॉपिक है एप्लीकेशंस, मतलब आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप किस किस जगह पे इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ डीमोल्डिंग एजेंट। दोस्तों, डीमोल्डिंग एजेंट इज ए कॉन्क्रीट रिलीजिंग एजेंट, इट इज ए वाटर बेस्ड कंपोनेंट ऑफ लो विस्कोसिटी, मतलब यह एक कॉन्क्रीट रिलीजिंग एजेंट होता है, यह एक वाटर बेस्ड पॉलीमर से बना होता है और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो काफी लो होती है। रिलीजिंग एजेंट आर नीडेड ड्यूरिंग कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, मतलब जब आप कॉन्क्रीट का प्रोडक्शन करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, टू प्रिवेंट कॉन्क्रीट फ्रॉम स्टिकिंग टू द फॉर्म वर्क, मतलब जब ये आप कॉन्क्रीट करते हैं कॉन्क्रीट में स्टिकिंग ना हो इसके लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड टू एंश्योर इजी रिमूवल ऑफ फ्रॉम वर्क विदाउट सरफेस डैमेज, मतलब आप जब इसका यूज करते हैं डीमोल्डिंग एजेंट का, तो आप जब डीमोल्ड करते समय आपकी कॉन्क्रीट का सरफेस है वो बिल्कुल भी सेफ तरीके से निकले और डैमेज नहीं हो, इसका इसमें यूज किया जाता है। तो जो इसका फर्स्ट एडवांटेज है, इट है सेल्फ डीमोल्डिंग एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें खुद की एक डीमोल्डिंग भी करता है और क्लीनिंग भी करता है, जैसे हमने पीछे भी बताया था, ये कॉम्बो होता है। दोस्तों, जो इसका सेकंड एडवांटेज है, वो कंटेंस वेरी लो विस्कोसिटी इज देयर फॉर कंसीडर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, मतलब इसको यूज करते हैं आप तो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ये कहीं पे भी हार्मफुल नहीं होता है एनवायरमेंटल के लिए। तो दोस्तों, जो इसका थर्ड एडवांटेज है, वो कॉस्ट लेस एंड वेरी इकोनॉमिकल फॉर यूज, मतलब इसका यूज करना काफी इकोनॉमिकल है और बहुत सस्ते में इसको यूटिलाइजेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड जो फोर्थ एडवांटेज है, नॉन टॉक्सिन एंड नॉन हैलोजन, नॉन फ्लेमेबल एंड डजंट पोज हेल्थ रिस्क टू वर्कर्स, मतलब ये बिल्कुल भी हैजार्डस नहीं है, कोई भी ज्वलनशील नहीं है और जब आप इसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो जो भी आपके वर्कर हैं उनको कहीं पे भी रिस्क नहीं रहता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो इसका फिफ्थ एडवांटेज है, कैन बी यूज फॉर एनी टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट मोल्ड, मतलब कोई भी कॉन्क्रीट के मोल्ड्स आप अगर भरते हैं किसी भी कॉन्क्रीट के मोल्ड्स पे तो वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। दोस्तों, जो इसका सिक्स एडवांटेज होता है, वो गिव्स नॉन स्टेनिंग रेसिस्टेंट टू कॉन्क्रीट, मतलब ये कोई भी स्टेनिंग जो स्ट्रेन आता है जब आप डीमोल्ड करते हैं उससे ये रेसिस्टेंट करता है। एंड दोस्तों, जो इसका सेवंथ एडवांटेज है, वाटर बेस्ड रिलीजिंग एजेंट इज ऑडरलेस ड्यूरिंग स्प्रेइंग, मतलब जब आप इसको यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये बिल्कुल भी गंधहीन होता है, एक तरीके से कोई भी इसमें से स्मेल नहीं आती है, ये जैसे वाटर होता है वैसा इसके यूटिलाइजेशन करते समय आपको फील होता है। दोस्तों, जो इसका एट्थ एडवांटेज है, रिड्यूस इम्परफेक्शन इन द मोल्डेड सरफेस एंड कॉन्क्रीट सरफेस, मतलब बोल सकते हैं कि जब आप इसको यूज करते हैं तो यूज करने के बाद जब आपकी कॉन्क्रीट को डीमोल्ड करते हैं तो कॉन्क्रीट डीमोल्ड करते समय आपका जो कॉन्क्रीट का सरफेस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, ना ब्रेकेज होता है और ना ही मटेरियल मोल्ड में चिपकता है, इन सब चीजों को ब्रेकेज होने से भी रिड्यूस करता है। एंड जो नाइन्थ एडवांटेज है, वो प्रिवेंट्स अदर मटेरियल फ्रॉम अटैचिंग टू सरफेस, मतलब कोई भी मटेरियल जैसे आप पेपर ब्लॉक सपोज देयर चेकर टाइल्स या कुछ भी बना रहे हैं कलर वाला मटेरियल, तो उसमें ऑक्साइड जो मोल्ड पे चिपक जाता है उसको ये चिपकने नहीं देता है, उसे प्रिवेंट करता है। दोस्तों, जो यहाँ पे हमने नाइन्थ एडवांटेज डीमोल्डिंग एजेंट के बताए हुए हैं, इसमें आप जब यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन करने के बाद अगर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा है या नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली हमारी टेक्निकल टीम को कॉन्टेक्ट करिएगा और जो ही हमें नाइन बेनिफिट बताए हुए हैं ये आप इसको जब यूज करते हैं डीमोल्डिंग एजेंट को तो हमारे टेक्निकल टीम से कंसल्ट करके आप यूज करें, डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, जो इसका थर्ड टॉपिक है वो हाउ टू यूटिलाइजेशन, मतलब डीमोल्डिंग एजेंट को कैसे यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। दोस्तों, जो इसका यूज करने का प्रोसेस होता है, ये सिंगल कंपोनेंट होता है, मतलब ये रेडी टू यूज होता है, इसको कोई
रोटी भी पानी वानी में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। दोस्तों यूज करने का इसका दो से तीन टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे सपोज दैट आपको, मान लीजिए सपोज दैट आप एक पेवर बना रहे हैं, अब पेवर में ज्यादातर नॉर्मल तौर पर जो प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक मोल्ड पे सबसे ज्यादा आती है। तो प्लास्टिक मोल्ड पे जो प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको इनर पार्ट में, मतलब इनर पार्ट में जो मोल्ड के अंदर होता है, अगर आप उसको वॉश करना चाहते हैं तो एक मोल्ड में आप एक पाव केमिकल डालेंगे 250 ml के समथिंग, और वो मोल्ड टू मोल्ड एक दूसरे के साथ पल्टी करके जाएंगे तो वो ऑक्साइड साफ हो जाएगा। अगर सीमेंटियस मटेरियल लगा होगा तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अदरवाइज अगर ऑक्साइड है या नॉर्मल सीमेंट्स लगा हुआ है, बहुत पुराना नहीं है, तो एक दूसरे के साथ पल्टी करते जाएंगे तो वो साफ हो जाता है। दोस्तों जहाँ पे पीवीसी मोल्ड होता है, जो पीवीसी मोल्ड होते हैं, पीवीसी मोल्ड में क्या होता है कि उसमें कलर चिपक जाता है, कलर चिपक जाता है। तो जैसे आप रेड बना रहे हैं सपोज है, तो रेड से आपको येलो बनाना है तो आपको मोल्ड एसिड से वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पे एसिड से वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीमोल्डिंग एजेंट के साथ आप एक पाव केमिकल डालेंगे और एक मोल्ड से दूसरे मोल्ड में पल्टी करते जाएंगे तो कलर ऑक्साइड पूरा अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। फिर आप उसमें येलो भी भर सकते हैं जिससे आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है। दोस्तों अगर आप आउटर पार्ट में भी साफ करना चाहते हैं, सपोज दैट आपका जो मोल्ड है मोल्ड बाहर भी गंदा है और आप मंथली या टू मंथ में आप इसको क्लीन करना चाहते हैं अपने मोल्ड को, क्योंकि अगर आप क्लीन करते हैं तो आपकी मोल्ड की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि पीवीसी मोल्ड जो होते हैं वो काफी महंगे होते हैं जिसके कारण उनको सेफ्टी बिल्कुल भी रखना चाहिए अच्छे तरीके से। तो उसको अगर आप बाहर भी साफ करना चाहते हैं तो उसको कुछ नहीं करना है, एक कटर ड्रम लेना है छोटा सा जो 50 लीटर का आता है, उसको कटर ड्रम में आप इसका केमिकल जो होता है, जो एक बैरल केमिकल आता है हमारा, ये करीब 50 लीटर के समथिंग का होता है, और 50 लीटर में 25 लीटर आप उसमें डालते हैं, और डालने के बाद एक ड्रम में उसमें से डुबा डुबा के निकाल देंगे सर, तो वो क्लीन हो जाता है। हो सकता है सर थोड़ा सा क्लीनिंग में टाइम लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर पुरानी सीमेंट होगी तो थोड़ा सा टाइमिंग लेता है, पर वो क्लीन हो जाता है और बिल्कुल भी आपके मोल्ड को हैजार्डस बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों ये इसका यूटिलाइजेशन प्रोसेस है, और यूटिलाइजेशन में कहीं पर भी अगर आप कोई और समस्या आती है तो डेफिनेटली हमारे टेक्निकल टीम को कॉन्टेक्ट करें, यूज करने से पहले आपको अच्छे तरीके से कंसल्ट किया जाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों जो डीमोल्डिंग एजेंट का फोर्थ टॉपिक है वो एप्लीकेशंस होता है। एप्लीकेशंस का मतलब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, और आपको भी जानने की जरूरत है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों जो इसका यूटिलाइजेशन है वो रबर मोल्ड पे भी कर सकते हैं, पीवीसी मोल्ड पे भी कर सकते हैं, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो मोल्ड्स आते हैं उस पे भी यूज कर सकते हैं, एंड फाइबर मोल्ड पे भी यूज कर सकते हैं, एंड जी या फारसी आपने नाम सुना होगा, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होती है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। एंड जो प्लास्टिक मोल्ड्स होते हैं आपने बहुत ज्यादातर आज के डेट में कंज्यूम कर रहे हैं कस्टमर, और उसमें भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है डीमोल्डिंग करने में। तो जो प्लास्टिक मोल्ड होते हैं वो प्लास्टिक मोल्ड में दो तरीके से मटेरियल बनता है, एक PFA होता है, एक PTFE होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे PFA का फुल फॉर्म होता है परफ्लोरोएल्कोक्सी होता है, परफ्लोरोएल्कोक्सी बोलते हैं उसको, एंड जो PTFE का फुल फॉर्म होता है वो पॉलीटेराफ्लोरोएथिलीन होता है। इनका जो फुल फॉर्म होता है, ये दोनों एक सिमिलर पॉलीमर होते हैं, इनमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये मतलब बोल सकते हैं कि जब आप मोल्ड इससे बनाते हैं, ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक के वर्जन होते हैं जिसका यूटिलाइजेशन लोग बनाते समय करते हैं, तो वही लोग इसका डिफरेंस समझ पाते हैं, और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो जो प्लास्टिक मोल्ड होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और जब आप इसको यूज करेंगे तो उसमें 100% आपको जो हमने एडवांटेज बताए हैं ये सारे के सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। दोस्तों जो यहाँ पे हमने डीमोल्डिंग एजेंट के बारे में आपसे डिस्कशन किया, हमने फोर्थ टॉपिक पे डिस्कशन किया, जो फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द डीमोल्डिंग एजेंट, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डीमोल्डिंग एजेंट क्या होता है, एंड जो सेकंड टॉपिक है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डीमोल्डिंग एजेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, हमने 9th एडवांटेज बताया, और होप सो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। एंड जो इसका थर्ड टॉपिक है हाउ टू यूटिलाइजेशन, होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन होता है यूज करने से पहले, आप डेफिनेटली हमारे टेक्निकल टीम को कॉन्टेक्ट करिए, आपको सपोर्ट करेगी। एंड जो इसका फोर्थ टॉपिक है एप्लीकेशंस, मतलब इसका यूटिलाइजेशन किस किस जगह पे कौन कौन से मोल्ड पे किया जाता है। दोस्तों ये जो हमने फोर्थ टॉपिक आपसे डिस्क्राइब किया हुआ है, ये डीमोल्डिंग एजेंट एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होता है,
अगर आप भी पेवर ब्लॉक या कोई भी कंक्रीट प्रोडक्ट बनाते हैं और डिमोल्डिंग को लेकर के आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप डेफिनेटली दिए गए टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करिए और आप एक बार इस मटेरियल को मंगा करके देखिए। आपको जो हमने इसमें बताए हैं सारे एडवांटेज आपको 100% अचीव होंगे। और दोस्तों आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप पेवर ब्लॉक बनाते हैं या कोई भी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर पीवीसी मोल्ड से बनाते हैं, तो अगर आप कलर वाइज चेंज करते हैं, जब भी आप कलर चेंज करते हैं ना, तो आपको ये तो एसिड से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि एसिड से वॉश करने में आपका मोल्ड बहुत ज्यादा डैमेज होता है। या तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है रेड के लिए अलग, येलो के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग, सब अलग अलग मोल्ड रखना पड़ता है। तो इससे बिल्कुल फुली तरीके से आप निदान पा सकते हैं और आप इसको यूज करिए एक बार, आपको बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लगेगा। तो दोस्तों आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।